हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सुवर्ण वचन का यूज कैसे करना है। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि सुवर्ण वचन कैसे बनाते हैं, तो हम आज देखेंगे कि सुवर्ण वचन हमें कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और उसको साफ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप लास्ट तक पूरा देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ये शेयर करो और उनको बोलो कि ये सुवर्ण वचन अपने बच्चों को उसका यूज करना सिखाए, इसे यूज करें और उसके जो बेनिफिट्स है वो आप ले सके। देखिए, ये हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी सुवर्ण वचन। अभी ये सुवर्ण वचन है तो हमें क्या करना है, जब बच्चा सुबह सुबह उठता है, जब वो खाली पेट रहता है तो उसको क्या करना है, ऐसा कुछ भी, ऐसे घर में कुछ भी ऐसा है कि जो इसकी सरफेस थोड़ी सी रफ है तो उसमें थोड़ा सा दूध ले लेना है। नर्सिंग मदर होती है ना, तो उनको लेना है, अपना ही ब्रेस्ट फीड लेना होगा। और देखिए, जो ऐसे बच्चे हैं कि जिसकी मदर अभी उनको फीडिंग नहीं करवा रही है, बाहर से दूध दे रहे, तो वो दूध भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ ये भी आपको नहीं देना है, और आप सुवर्ण प्राशन पर भी आपके बच्चों को नहीं दे रहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें ब्राह्मी ध्रुत आता है। ब्राह्मी ध्रुत माने ब्राह्मी का घी, ब्राह्मी का घी आता है, वो बाहर से आप ला दो और उसको एक बूंद जितना अंदर ले लो और उसकी सरफेस पर ये रखो और ऐसे ऐसे उसको घिसना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने दूध लिया है और ये देखिए, ये जो शार्प है सरफेस, मैं उसको यहाँ पर घिस रही हूँ। देखिए, मैंने दो दिन इसको यूज करा था तो अभी जो सुवर्ण की जो डांडी है ना, वो अभी बाहर दिखाई दे रही है, आजू बाजू से बचा, थोड़ी सी घिसी हुई है, इसीलिए अभी हमको क्या करना है, उसको ऐसे ऐसे घिसना है। कितनी देर तक, हमें घड़ी में देखना है कि 30 सेकंड्स हो जाए फिर हमको स्टॉप कर देना है। अभी हमने ये घीस ली तो अभी हमको क्या करना है, ये जो बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसे उंगली से ही उसको चटा देना है। शिवो शिवो ऐसे, अच्छा लगा बेबी? अच्छा लगा, अच्छा लगा। धीरे धीरे से सारा का सारा उसको चटा देना है। देखिए, पूरा चटा दिया हमने। अभी ध्यान क्या रखना है कि आप जब इसको यूज करने वाले होते हो ना, तब उसको एक बार धो लो अच्छे से, आगे का जो भाग है ना उसको धो लो, फिर उसका यूज करो। और यूज करने से पहले अपने हाथों को भी साफ कर दो, जैसे हमें उसको हाथ से ही चटाना है तो अपने हाथ भी क्लीन रहने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, कोई कोई मेल इसमें ना हो, जैसे करके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अभी हमने इसको यूज कर दिया तो अभी पूरा उसको भिगो कर धोना नहीं चाहते आप, तो थोड़ा सा ऊपर से ही आप उसको साफ कर दो। साफ करने के बाद उसको धूप में थोड़ा सा सुखा दो और फिर इसको फ्रिज में रख दो या फिर कोई सेफ जगह पर रखो, जिससे कोई इंसेक्ट उसको छू ना पाए, जिससे करके बेबी को कोई नुकसान ना हो। और अभी ये जो सुवर्ण बच्चा है, हम हर दिन नहीं देने वाले, एक दिन छोड़कर एक दिन दे रहे हैं अपने बच्चे को। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको हर दिन देना है बच्चा के जो फायदे लेने, तो ऐसे एक ऐसी भी वचा रखो जिसमें हमने सुवर्ण नहीं डाला है, सिर्फ वचा डाला है, वचा की ही लेनी है, वचा की लकड़ी ही लेनी है। तो आपको ऐसा करना है कि एक दिन आप सुवर्ण वचा यूज करो, एक दिन आप ये सुवर्ण वचा की वचा ही, सिर्फ वचा का ही उसको घुट्टी करके पिला दो। आप